योगी जी, राहुल, शिवराज सिंह जी, अमित शाह जी, केजरीवाल जी, कैसे खाट पे बैठी हुई हो? ये जो मैं अपने हाथ से बर्गर बना के तैयार कर रहा हूँ, इन्हें उठा उठा के खाओ। अरे आज मैंने तुम लोगों को फिर से दावत पे बुलाया है, और देखो आम के पेड़ के नीचे खाट डाल दी है, आम के पेड़ की ठंडी ठंडी छाँव के नीचे बर्गर खाओ, खाओ उठा के। मोदी जी, ये आपने बहुत अच्छा किया, बहुत दिन से बर्गर खाने का मन कर रहा था। फास्ट फूड की कोई दुकान अपने गांव में है नहीं, बर्गर खाने के लिए शहर जाने की सोच रहा था। अच्छा हुआ आपने गांव में ही बर्गर की दावत दे दी। लेकिन राहुल, सच बताऊं, ये बर्गर मुझे कोई खास पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते बर्गर। मोदी जी, अगर दो चपाती बना के आप थोड़ा सा देसी घी लगा के लाल वाली मिर्च की चटनी के साथ दे देते तो मुझे ज्यादा पसंद आती, लेकिन ये बर्गर की दावत मुझे आपकी बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब योगी जी एक बात बताओ, राहुल को बर्गर इतना पसंद है, वो शहर खाने के लिए जाने की सोच रहा था, और तुम्हें बर्गर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अमित शाह जी, आप कैसे चुप बैठी हो, आपको बर्गर पसंद है कि नहीं है? मोदी जी एक बात बताओ, मुझे बर्गर पसंद नहीं होगा तो किसे पसंद होगा? मुझे तो बर्गर बहुत पसंद है, और मैं आपसे पहले ही कह देता हूँ, मैं एक बर्गर नहीं 3 बर्गर खाऊंगा। लेकिन अमित शाह जी, मैंने सब लोगों के लिए एक ही एक बर्गर बनाया है, आप 3 बर्गर क्यों खाओगे? अरे मोदी जी चलो कोई बात नहीं है, मुझे 2 बर्गर दे देना, 3 नहीं खाऊंगा, 2 तो बर्गर खाऊंगा ही खाऊंगा, और आम के पेड़ के नीचे ठंडी छाँव में बर्गर खाने का मजा ही निराला है। वाह मोदी जी, आपने तो बिल्कुल कमाल कर दिया, इतनी गजब की दावत दी है आज मुझे, मेरा तो दिल खुश हो गया, बर्गर तो खाना मुझे भी बहुत पसंद है। योगी जी, आपको बर्गर खाना क्यों पसंद नहीं है, ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। अरे बर्गर खाना तो मुझे बहुत पसंद है, अमित शाह जी को भी बर्गर बहुत पसंद है, और राहुल को भी बहुत पसंद है। शिवराज सिंह जी, तुम कैसे चुप बैठी हो, तुम तो बोलो, तुम्हें बर्गर खाना पसंद है? केजरीवाल जी, क्या करूं, दिल तो कह रहा है बर्गर खा लूं, लेकिन पेट कह रहा है बर्गर मत खाओ, क्योंकि मेरा तो पेट बिल्कुल फुल है, अभी 20 रुपए के गोलगप्पे अखिलेश के ठेले पे से खा के आया हूँ। तो शिवराज सिंह जी एक बात बताओ, जब मेरे यहाँ पे तुम दावत खाने के लिए आ रहे थे तो तुम्हें अखिलेश की दुकान से गोलगप्पे खा के आने की क्या जरूरत थी, पेट को खाली करके आते? अब ये बर्गर कौन खाएगा? और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।